Good morning. My name is Amit Jyot, and I'm talking to Aditi Saini in New Delhi. And let's find out what her questions is. She's obviously looking to go to Canada, and she has questions ready, prepared. And I like those clients who have the questions ready and who have done the homework. So, Aditi, how are you? I'm good. How are you? I'm excellent. Thank you very much. I gather that you met me once in New Delhi, I think 1 or 2 years ago, somewhere. And then, I think you met briefly, which I don't remember your case, but I will take your questions now. And then hopefully I can answer your questions. Do you prefer to continue in English or Hindi chalega? Anything will do. Both are fine with me. ठीक है, कोई बात नहीं. अपने सवाल सवाल रखें, सवाल पूछें, क्या क्या है मसला है? So first of all, जैसे I am a lawyer by profession, so I am thinking pursuing LLM from Canada. Okay जी. So there are several colleges that I've seen online, or I'm seeing कि कौन से कॉलेज में कौन से courses हैं, and you know what all options that are available. तो अब इस पे I just wanted to ask कि जैसे in case I choose a course say in University of Saskatchewan for instance, and I apply for my visa, so is there a the colleges are graded probably like अगर आप Canada में इस college में apply करो तो it is a good college and you know you could just get your student visa easily and otherwise ये इतना अच्छा college नहीं है and the fees is not that much, so probably the student might have this in mind, you know, that they want to come here and just settle and you know I might have a problem in the student visa. अच्छी बात है. मैं इसके बारे में अपना जवाब, जो मेरा ओपिनियन है, दिस इज यू नो एवरी लॉयर एवरी कंसल्टेंट में हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, बट मैं आप मेरा जो ओपिनियन है वह आपको बता देता हूँ. मैंने हमेशा से कहा है कि जहाँ तक स्टूडेंट वीज़ा का सवाल है, तो जो वीज़ा ऑफिसर आपकी जो फाइल्स देखते हैं, वो अगर आपकी यूनिवर्सिटी बहुत टॉप पे है तो आपका जो एक उनको एक भरोसा हो जाता है कि ये स्टूडेंट जेन्युइन है, इसको अच्छी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दिया है और इसका एक कैलिबर बहुत ऊंचा है. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको कि अगर एक कोई एप्लीकेंट इंडिया में, अगर कोई जैसे आप दिल्ली के रहने वाली हैं, दिल्ली में एक फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है, कोई वहाँ से MBA करता है और एक गाज़ियाबाद से करता है, कि दोनों के कैलिबर में एक एम्प्लॉयर को फ़र्क दिखता है या नहीं है, विच आई डोंट वांट टू कमेंट, पर एक परसेप्शन है कि उसका कैलिबर क्वालिटी हाई है और इसका नीचे है. वैसे ही अगर आप टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में जाओगे तो एक वीजा ऑफिसर को एक अंदर से एक आश्वासन होता है कि हाँ, ये इसकी इसको इस यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया है, इसके वीजा क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं, जिसको हम कहते हैं बोनाफाइड, इसके जो इंटेंशंस हैं, जो SOP में हम लिखते हैं, वो इसके अच्छे हैं. बस इतना ही है. ऐसा नहीं है कि अगर आप लोअर ग्रेड यूनिवर्सिटी से LLM करोगे तो आपको लॉ की पढ़ाई पूरी मिलेगी नहीं, आप उसमें तालीम पूरी ले नहीं पाओगे, आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. From the point of view of the visa assessment on the student credentials, उसमें थोड़ा सा एक आपको एक impression आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा. बाकी और भी factors हैं जैसे आपके grades कितने हैं, आपका क्या experience है, आपकी क्या English है, कितने funds हैं, क्या SOP है, पुरानी history क्या है, वगैरह वगैरह. There's a list of at least I would say 7 to 8 different criteria parameters which will decide कि इनको study visa दे या ना दे. I hope you got my answer. Okay. So basically, it is not exactly based on what college, but it is not just college-centric. There are other things also that they take into consideration, right? Yeah. Aditi, आप lawyer हैं, आप वकील हैं यहाँ पर, क्या practice करती हैं? हाँ जी. किस चीज़ का practice करती हैं? किस चीज़ का, कौन सा law practice करती हैं दिल्ली में? मतलब most everything, civil, criminal, matrimonial. ठीक है. जैसे आप कोई भी, आपके पास कोई कानूनी केस आता है, कोई क्लाइंट का केस होता है, यू लुक एट द ओवरऑल पिक्चर, नॉट जस्ट फ्यू पॉइंट्स हियर एंड देयर, यू लुक एट द ओवरऑल सिचुएशन क्या हो रहा है. और वैसे ही वीजा ऑफिसर देखते हैं कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है, ये जो एप्लीकेंट है ये स्टडी वीजा के लिए जा रही हैं, ये क्यों जा रही हैं, इनके पास पैसा कितना है, पहले इनकी हिस्ट्री क्या है, पहले क्रेडेंशियल्स क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, आगे क्या करेंगी, ये जो कोर्स करेंगी ये इनके लिए सही भी है कि नहीं, जिसको कहते हैं रेलिवेंसी है कि नहीं है, इस तरह के सारे वो सारा देखते हैं. तो इसमें जो ब्रांडिंग है यूनिवर्सिटी के, जो हायर रैंकिंग यूनिवर्सिटी, दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, स्पेशली फॉर मैच्योर एप्लीकेंट्स लाइक यू. गो अहेड, व्हाट्स द सेकंड क्वेश्चन? Second question is, जैसे अब I am planning to, you know, get myself admission in the September session next year. मतलब that is what I am planning as now. 2021.
it is almost a year, say, and in case I take my admission, get my student visa done, and then, you know, I want to get married. So is it a suitable option? Would my visa will be cancelled or anything like that? I like your question. Aditi, main aisko jawab apna deta hoon. But it's a genuine question. I am achhi baat hai mere ko, main aapka foreign country for a few years. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ. मेरे को हिंदी बोलना बड़ा अच्छा लगता है. जो इंडिया से लोग कॉल करते हैं, मेरे को हिंदी बोल के अच्छा लगता है, जैसे मैं अपनी मातृभाषा से जुड़ा हुआ हूँ. यहाँ तो फिर सब इंग्लिश बोलते हैं. मैं कहता हूँ इंग्लिश बोल के थक गया हूँ, थोड़ा सा हिंदी बोलने का मौका मिलना चाहिए. तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने ऐसा सवाल पूछा, और इस सवाल के बहाने से मेरे को कई बातें कहने का मौका मिल जाएगा. होता क्या है, ये दोनों अलग अलग मुख्तलिफ चीज़ें हैं. एक तो स्टडी वीज़ा का एक एप्लीकेशन अलग है, और आपकी शादी का जो सिलसिला है उसमें अगर आपको करते हैं तो उसमें अलग बातें हैं. शादी जो अगर आप करेंगे, अगर आपको सितंबर में, अगले साल सितंबर 2021 में जाना है, और शादी अगर आप आज करते हैं या अगले 6 महीने में करते हैं, तो थोड़ी सी सिचुएशन चेंज ऐसे हो जाएगी कि जब आप अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए, होपफुली आप अप्लाई करेंगे जून जुलाई में अगले साल, तब जब आप अप्लाई करेंगे तो आप मैरिड एप्लीकेंट होंगे. जब आप मैरिड एप्लीकेंट होंगे तो जाहिर है कि क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई स्पाउस का क्या होगा, हस्बैंड आपके साथ जाएगा नहीं जाएगा. तो उसमें फिर हस्बैंड आप भी चाहेंगे और हस्बैंड भी चाहेगा कि मैं अपनी पत्नी के साथ जाऊं. तो इसमें स्पाउस वीजा का जो क्राइटेरिया है वो नया एक चैप्टर खुल जाएगा. तो स्पाउस वीजा में फिर वो वीजा ऑफिसर जो दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में कम से कम मैं समझता हूँ कि 15-16 वीजा ऑफिसर बैठे होते हैं एट एनी टाइम, और बहुत बिजी एक न्यू दिल्ली का हमारा जो वहाँ पर इमिग्रेशन का वो डिपार्टमेंट है, और वहाँ पर उनके पास ऐसे केसेस बहुत आते हैं स्पाउस वीजा रिलेटेड, जिसमें उनको एक पहली बात तो ये चेक करना पड़ता है कि इनकी शादी जेन्युइन है कि नहीं. अब जेन्युइन का मतलब मैं थोड़ा सा उसमें बता दूँ, संक्षिप्त शब्द में बता दूँ कि जेन्युइन का मतलब ये है कि इसने शादी करी है कनाडा जाने के लिए या वाकई इन्होंने मैरिज पर्पस के लिए शादी करी है. तो उसके लिए फैक्टर्स देखते हैं, कितनी शादी पुरानी है, कैसे हुई, कैसे अरेंजमेंट हुई, लव मैरिज है वगैरह है, चैटिंग है, फोटोज हैं, हनीमून है, जॉइंट अकाउंट है, यू नो दे लुक एट द इंटायर बिहेवियर ऑफ द कपल बिफोर एंड आफ्टर मैरिज, एंड देन दे डिसाइड कि दिस मैरिज इज अकॉर्डिंग टू यू नो द रेगुलेशंस ऑफ. इसको आप चेक कर लेना, इमिग्रेशन रेफ्यूजी एंड प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, गूगल पे जाकर चेक कर लेना, रेगुलेशन 4R4, तो उसमें एक बोनाफाइड की डेफिनेशन मिल जाएगी, और उसके हिसाब से आप देख लेना कि आप सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. लेकिन कभी कभी ये होता है कि लोग हस्बैंड वाइफ दोनों अप्लाई करते हैं, साथ अप्लाई कर सकते हैं, वर्क परमिट वो करेगा और आप स्टडी वीजा करेंगे. अगर हस्बैंड के क्रेडेंशियल्स वो सेटिस्फाइड नहीं है तो हस्बैंड को साइड वर्क करके मेन जो एप्लीकेंट को स्टडी वीजा देंगे और वो रह जाएंगे और बाद में कर सकते हैं. Ultimately, to your question is, will it affect? Yes, it will affect your total family visa situation. So, like, suppose I got my, मतलब till now, भाई अगर मैं student visa apply करने से पहले शादी कर लेती हूँ, but in case I get my student visa and everything, and then I get married, so then how will it affect my visa? हाँ, बहुत अच्छी बात है, और मैं फिर दोबारा से आपका धन्यवाद करता हूँ कि ये सवाल बड़ा अहम है. एक्चुअली कानूनी निगाह से, और आप वकील हैं, आपके सवालों की मैं आपकी आपकी प्रशंसा करता हूँ कि आपने ये सवाल पूछा. अगर आप वीजा मिलने के बाद शादी करेंगे तब मामला बिल्कुल उल्टा हो जाएगा. एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि कितनी जल्दी. कई बार मेरे पास केस आते हैं, आई गेट फ्रस्ट्रेटेड कि आज लड़की का वीजा लगा, आपने एक हफ्ते बाद शादी कर ली या दो हफ्ते बाद शादी कर ली. दिस इज डिजास्ट्रस फॉर द हस्बैंड फॉर द पॉइंट ऑफ वीजा, क्योंकि ये तो मालूम पड़ता है, साफ मालूम पड़ता है कि भाई शादी वॉज मोर और लेस लिंक्ड विद द वीजा इशुएंस ऑफ द वाइफ. मतलब कि कई बार, मैं नाम नहीं लेता किसी का, कई बार लोग रिश्ता तभी करते हैं कि जब लड़की का वीजा मिल जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि लड़की के बहाने हमारा लड़का निकल जाएगा. तो वो ये वीजा ऑफिसर बड़े होशियार हैं, बड़े समझे हुए लोग हैं, बड़े कॉम्पिटिशन से ट्रेन होके कैनेडा से आके वीजा ऑफिसर की पोस्टिंग लेते हैं वहां पर. ये कोई आम ये चलते फिरते पुरजे नहीं है कि आप इनको बेवकूफ बना लोगे या छुपा लोगे या मिस रिप्रेजेंट कर दोगे. दे कैन सी इट राइट थ्रू. और एक एक वीजा ऑफिसर कम से कम मैं समझता हूँ कि मिनिमम 50-100 एप्लीकेशन रोज की देखता है, और उन्हें सारा पता है कि इंडियन सोसाइटी में क्या हो रहा है, कैसी एप्लीकेशन में कौन धांधली कर रहा है. दे नो, दे कैन सी थ्रू इट वेरी क्लियरली. और जो नहीं पता लगता, उनके पास इन्वेस्टिगेटर्स की टीम होती है, कई बार वो पता करवा लेते हैं. तो आपको मैं मशवरा ये देता हूँ कि अगर आपको शादी करनी है, अगर आपने सोच लिया कि शादी करनी है और साथ में शायद हस्बैंड को भी ले जाना है, तो आप वीजा जो अप्लाई करने से काफी देर पहले जितना भी आप कर सकते हैं उस थोड़ा सा करें.
मसलन जैसे कि आपने 3 महीने 4 महीने 6 महीने पहले आपके वीजा अप्लाई करने से शादी कर ली, लेट्स होप कि आपने जनवरी फरवरी शादी कर ली, उसके बाद से लेकर जब वीजा अप्लाई करते हैं तब तक यू मेंटेन ऑल योर डॉक्यूमेंट्स टू शो एज अ कपल, दैट मींस कि आप हनीमून जाओ, हनीमून की फोटोज चाहिए, और अपने जैसे घर में आप रहते हो, जैसे शॉपिंग करते हो उसकी फोटोज आप चाहिए, रिश्तेदारों से मिलने जाते हो तो हस्बैंड वाइफ दिखनी चाहिए, जॉइंट अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड है, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, जितने भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर हस्बैंड वाइफ के नाम आ जाए तो बहुत अच्छा है, जहाँ पर आप नौकरी करते हैं यहाँ पर जहाँ पर दिखवाते हैं कि आई एम सिंगल और मैरिड वहाँ पर चेंज कराएं, हस्बैंड भी चेंज कराएगा, पासपोर्ट के लास्ट पेज पे अपने एक दूसरे का नाम लगाएं, जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड रजिस्ट्रेशन है उसमें हस्बैंड वाइफ का मैरिज स्टेटस क्लियरली शो होना चाहिए, एंड आई वुड रेकमेंड कि ऐसे करके आप 4-5 महीने 6 महीने कंटिन्यू करें, फिर जाके अपनी फाइल दोनों अप्लाई करें हस्बैंड वाइफ टुगेदर। आई होप यू गॉट माय आंसर। यस यस आई एम, थैंक यू। सो हां जी, तीसरा क्वेश्चन। अच्छा, सो नेक्स्ट, जैसे आई डू प्लान एंड इंटेंड टू माइग्रेट टू कनाडा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम और द अदर, सो अब जैसे आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड ब्रीफली अबाउट द एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम, लाइक हम लोग CRS स्कोर अपना कैलकुलेट करते हैं, हम लोग IELTS देते हैं, अपना बेस्ट के थ्रू ट्रांसक्रिप्ट्स भी करा लेते हैं, सो वंस ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर डन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू गो अबाउट इट? एक्सप्रेस एंट्री बहुत ही सिंपल एक ऑनलाइन सिस्टम है, उस पर आपने अपनी प्रोफाइल डालोगे, आप सारी इन्फॉर्मेशन पूछेगा, ऑनलाइन सिस्टम है आपका जो प्रोफाइलिंग सिस्टम, टिक 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 नाम डालोगे, नाम, डेट ऑफ बर्थ सारा, तो सारा उसमें ऑटोमेटिकली आपके पॉइंट्स वो शो कर देगा, जब आपके पॉइंट्स वो शो करेगा, जब आप उसको सबमिट करोगे, जब उसको उसको सबमिट करके जब उसको फाइल नंबर इशू हो जाएगी उसमें पॉइंट्स आ जाएंगे आपके, तो पॉइंट्स अगर आपके आ गए और जो ये महीने के महीने डिपेंडिंग ऑन यू नो व्हाट इज द सिचुएशन समटाइम्स इवन मोर देन वंस अ मंथ ये निकालते हैं ये लोग, उसको ड्रॉ करते हैं, जैसे एक मेरिट लिस्ट होती है जैसे, तो उसमें काफ़ी सारे हजारों लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो जितने उनको चाहिए बेस्ड ऑन जितने उन्हें चाहिए और उसके हिसाब से वो एक कट ऑफ डिसाइड करते हैं, और कट ऑफ के बेस पे वो आपको इन्वाइट कर लेते हैं, दो आपका कट ऑफ अभी पिछले महीने शायद 471 470 आई डोंट रिमेंबर इतना गया, तो जितने लोगों के उतने नंबर्स आ गए उसके ऊपर वो कह देंगे ठीक है जी यू आर सिलेक्टेड टू अप्लाई, नाउ आपने पहले प्रोफाइल डाली थी, अब आप एप्लीकेशन असली एप्लीकेशन डालोगे, दैट मीन्स डॉक्यूमेंट जरा सबमिट करोगे, तो ये सिस्टम है। बाकी जो मेन मुद्दा जो असली सवाल तो इसमें ये है कि एक्सप्रेस एंट्री के साथ साथ आप स्टडी वीजा भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं असली मुद्दा तो ये है, कई बार लोग सोचते हैं कि जी एक्सप्रेस एंट्री हमारी हो गई जी, अब स्टडी वीजा नहीं कर सकते, हम टूरिस्ट वीजा नहीं कर सकते, हम वर्क वीजा नहीं कर सकते, क्योंकि वो देखेंगे आप तो पहले परमानेंट जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ड्यूअल इंटेंट, आप ड्यूअल इंटेंट टाइप कर लेना गूगल पे एंड देन यू कैन रीड अबाउट इट, दोनों एप्लीकेशन साथ साथ साइमल्टेनियसली चल सकती है। अच्छा, मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम कि मैंने स्टूडेंट वीजा भी अप्लाई कर रखा और साथ साथ मेरा एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बना? आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम, एंड ड्यूअल इंटेंट In Immigration Refugee Protection Act allows this kind of applications to coexist simultaneously. Okay. One of the questions that I missed while we were talking about the student visa was, you say I do intend to do LLM from Canada. However, there are certain diploma courses also that are available. So, agar mujhe diploma course karna hoga, to uske liye bhi matlab will I be able to get a student visa, or should I just go for a regular degree and later on do a diploma while I am there? Aditi, aapka sawal bada acha hai. Dekhiye, thoda sa मेरे को आपके सवाल अच्छे हैं, और मेरे को ये भी अच्छा लग रहा है कि आप समय होते हुए सवालों का जो उसका जवाब ले रहे हो, जिससे कि आपके आगे आपका सही मार्गदर्शन हो जाए। होता क्या है कि डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा कोर्स करोगे आप कनाडा में, उससे आपका फ्यूचर सेट होगा। अगर आप छोटे मोटे कोर्स कर लोगे, जैसे कई लोग, आपकी उम्र कितनी है मैं पूछ सकता हूँ? 30। कई लोग जो स्टूडेंट आते हैं 12वीं करने के बाद आते हैं, जिनकी उम्र है 18 साल, 19 साल, 20 साल, वो तो एक साल का डिप्लोमा, 2 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं, और उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, तो वो जिंदगी में ऐसा दांव खेल सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, अभी लाइफ में उनको बहुत आगे हुआ है, टाइम है उसके बाद। लेकिन होता क्या है कि जो भी कोर्स करोगे उसके हिसाब से आपका एक फ्यूचर करियर सेट होगा, उसके हिसाब से आपको तालीम जो मिलेगी, उसके हिसाब से जॉब मिलेगी, उसके हिसाब से PR मिलेगी, और उसके हिसाब से आपको लेंथ ऑफ वर्क परमिट भी मिलेगा। जैसे अगर आपने 2 साल का, जैसे आपने लेट्स से कि 1 साल का किया तो 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा, 2 साल का किया तो आपने 3 साल का मिलेगा। आपके संदर्भ में अगर आप LLM करते हैं, बाद अल्टीमेटली करियर प्लानिंग की है, अगर आपको और मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा कि छोटा डिप्लोमा लीगल कर लो या LLM कर लो, दोनों में फर्क क्या है।
अगर आप LLM करते हैं, LLM करने से ये फायदा जरूर होगा आपको, LSC के एक साल का LLM है या डेढ़ साल का है, उसके हिसाब से आपको आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। LLM में जो आप करेंगे कनाडा में, अगर आपको इन फ्यूचर वकील बनना है तो उसमें कई टॉपिक्स जो हैं जो आपके LLB में जो आपने इंडिया में करा था वो उसके लिए, अगर आप डायरेक्टली LLB करके यहाँ पर, अगर जैसे हमारा जो लॉ सोसाइटी जिसको आप बार कहते हैं वहाँ पर इंडिया में, तो वहाँ पर वो अगर आप उसके अप्लाई करेंगे तो वो आपको पहले वो असेस करते हैं कि भी आपके पास क्या क्या चीज़ आपने पढ़ी है, कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा है, बैंक्रप्सी टॉट वगैरह जो भी पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा वगैरह जो भी आपके जो मिसिंग है वो आपसे कहेंगे कि आप दोबारा पढ़ो, तो आपको यूनिवर्सिटी में जाके दोबारा से उसको पैसे देकर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, एंड इट टेक्स टाइम समटाइम्स 2 ईयर्स मे बी मोर, उसमें और खर्चा होने वाला है। तो अगर आपको इन फ्यूचर अगर वकील बनना है कनाडा में तो आपको LLM इज दी बेस्ट वे। LLM में आपको पहले से निशाना रखो कि जो जो हमारे मिसिंग है, पहले असेसमेंट करा लो आप यहाँ पर, असेसमेंट का एक वो होता है, यू नो यू कैन गेट इट असेस इन एडवांस इवन फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा तो वीडियो देख लेना मेरी, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके मिसिंग है जो आपको इन फ्यूचर पढ़ने पड़ेंगे यहाँ की मेंबरशिप लेने के लिए। तो वो आप LLM के टाइम भी पढ़ सकते हो, और आई होप कि आप अपना टाइम यूज करके LLM का टाइम मैक्सिमाइज उसको करो, उसको यूटिलिटी करो उसको, और उसमें आप पढ़ के अपना इन फ्यूचर आपको यहाँ पर जो मेंबरशिप लेनी है बार की, उसके लिए आप तैयारी पहले से कर सकते हो। तो इसके मुकाबले में अगर आप छोटा मोटा अगर कोई लीगल असिस्टेंट का या कोई ऐसा कोई लीगल डिप्लोमा एक दो साल करते हो वो ठीक है आने के लिए, स्टडी वीजा के लिए ठीक है, लेकिन आगे आपका फ्यूचर करियर क्या होगा, फिर आपको धक्के खाने पड़ेंगे वकीलों के अंदर, जो असिस्टेंट की जॉब करनी पड़ेगी ऑफिस में, यू नो इट्स अ टोटल डिफरेंट थिंग। ये तो बात हुई कि एक आदमी वकील बन रहा है और दूसरा वकील का असिस्टेंट बन रहा है, तो इट्स अ डिफरेंट ट्रैक एट ऑल, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट यू नो यू हैव टू सी व्हाट योर फ्यूचर गोल इज। सो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस के यू फोकस ऑन अ गुड LLM जहाँ पर आपको सब्जेक्ट पढ़ने का एक मौका मिले, और अपनी तरफ से होमवर्क करके जाओ आप कि हमें ये आगे पढ़ना है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा तैयारी करो, निशाना रखो कि आगे इन फ्यूचर आपको लॉ करके आपको यहाँ पर वकील बनना है। ओके, सो अनदर थिंग, जैसे अभी रिसेंटली आई चेक्ड माय CRS स्कोर, सो इट वाज कमिंग आउट टू बी समवेयर अराउंड 467, एंड एज यू हैड आल्सो टोल्ड कि अभी थोड़े टाइम पहले 471 गया था, तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट इट विल ड्रॉप, या मेरे को फिर दोबारा IELTS देख के शुड आई ट्राई कि मेरा स्कोर थोड़ा सा और बढ़ जाए, सो दैट आई कम इन दैट ब्रैकेट जो अभी कट ऑफ चल रही है उसके हिसाब से? अदिति, इसके बारे में तो इंडिया के जोशी जवाब दे सकते हैं इसका। पिछली बार मैं दिल्ली में था तो मैं देखता था सुबह सुबह उठते हैं स्टार प्लस पे, बहुत सारे चैनल पे सुबह सुबह जोशी बताते हैं आज आपका दिन कैसे रहेगा, आप इसको काले काले घोड़े को ये चने चने दान करो तो पीला वस्त्र करो, तो वो बताते हैं कि आज दिन कैसा हुआ, ये तो जोशी बता सकते हैं। Considering what the trend is, you know, considering what the market is, it is impossible. It is impossible. No lawyer, no consultant, no nobody. I don't see in my personal capacity or personal observation anybody can successfully predict ke yahan kya hoga, kahan jayega. It is just a, just a speculation. बात असल में ये है कि अगर आपके 467 अभी हैं, अगर 467 है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके इंग्लिश में कितने हैं? इंग्लिश के स्कोर कितना है IELTS का? It was basically that 8777 score that was needed. However, learning was, listening was 8, reading is 7.5, writing is again 7, and speaking was 8. आप उसके जो CRS टूल में जाके ना, CRS टूल में जो आता है उसके वेबसाइट भी दिया हुआ है, उस पे जाके थोड़ा सा उसके परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस करके ऊपर स्कोर ऊपर नीचे करके देख लेना कि आपको इंग्लिश में कितना आगे 5-10 पॉइंट पढ़ने के लिए आपको कितनी इंग्लिश इंप्रूव करेगी, उसके हिसाब से। आप पढ़ी लिखी हैं, आप दिल्ली के रहने वाली हैं, दिल्ली के लोगों के लिए मेरा बहुत रिस्पेक्ट है, और अगर आप इंग्लिश नहीं कर पाएंगी तो कौन कौन करेगा इंग्लिश? अगर आपको लगता है कि इंग्लिश करने से 5-10 पॉइंट का इजाफा हो सकता है तो आप जरूर करें, और अगर इतनी क्लोज हैं आप तो फिर आपको स्टडी वीजा में इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश इंप्रूव करने से आपको थोड़ा बहुत आगे 470 या 469 तक टच कर जाएगा तो टेक अ चांस, मतलब आप इसको करें, जस्ट गिव इट अ शॉट फॉर यू नो फ्यू मंथ्स, 3-4 मंथ्स एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि स्टडी वीजा में तो कम से कम 40-50 हज़ार डॉलर का खर्चा हो जाने वाला है आपका, इतना जेब से पैसा निकल जाने वाला है, क्योंकि आप LLM की फीस दोगे, LLM की फीस मेरे ख्याल 30,000 तक की होगी एक साल की, आई एम जस्ट गिविंग यू नो माय आइडिया, और प्लस लिविंग एक्सपेंसेस और फलाना, फिर अगर हस्बैंड साथ जाएंगे तो कम से कम 40-50 हज़ार डॉलर का खर्चा आ जाने वाला है, और अगर आपको ऐसे अगर PR मिल जाती है तो व्हाई नॉट, एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू बिकम PR देन यू कैन स्टडी इफ यू वांट टू, एंड देन यू नो यू विल स्टडी एट अ लोअर कॉस्ट। सो इंग्लिश का थोड़ा सा करके देखो, आपके पास LLB डिग्री है, इसकी असेसमेंट हो रखी है?
इसकी लॉ एलएलबी आई है वहां से. हां हां, तो द असेसमेंट केम आउट टू बी प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ ज्यूरिस डॉक्टर. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. उम्र भी आपकी ज्यादा नहीं है, आपकी वो भी आई है. और एक्सपीरियंस कितना आपके पास है काम करने का, वकालत करने का? Three years of experience. Like prior to this, I was into teaching, so उसका मेरा 3 साल का experience है. आपको आपको सिर्फ और कुछ नहीं रह गया, आपको थोड़ा इंग्लिश की तरफ थोड़ा सा आगे मुशक्कत करनी है, आपको आगे जाना है, और बाकी और कुछ आपकी उसमें इसमें कोई कमी नहीं है. तो आप कृपा करके आप इंग्लिश की तैयारी करें, इंग्लिश की कोचिंग लें, या आपकी माशाल्लाह आपकी इंग्लिश वैसे ही बहुत अच्छी है, आपको कोचिंग लेनी नहीं, आप खुद लोगों को कोचिंग दे सकते हो. लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, और इंग्लिश को करके उसमें अगर आपको अगर इंक्रीज कर सकते हैं, आई थिंक दैट माइट बी अ मोर प्रैक्टिकल एंड अ बेटर आइडिया देन स्पेंडिंग ऑल दिस मनी फॉर स्टडी वीजा. ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट. जैसे अब नाउ देयर इज दिस आल्सो पीएनपी प्रोग्राम दैट डिफरेंट प्रोविंसेस आर ऑफरिंग. सो आई वाज जस्ट सर्चिंग ऑनलाइन, सो आई जस्ट केम अक्रॉस दिस थिंग व्हिच सेज दैट इन केस यू हैव एन इनडायरेक्ट रिलेटिव लिविंग इन कनाडा. अब द प्रोविंस नेम वाज नॉट देयर, बट इट वाज जस्ट सिंपली मेंशन कि अगर कोई आपका ऐसे रिश्तेदार दूर का पास का कोई रहता है कनाडा में, सो दैट इंक्रीजेस योर पॉइंट्स इन द पीएनपी प्रोग्राम. या वो ठीक है. कहां देख रहे थे आप, कहां पढ़ रहे थे? कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ना, कौन सी वेबसाइट पढ़ा आपने इसे? अब ऐसे तो मेरे को याद नहीं, आई जस्ट कीप ऑन स्क्रॉलिंग थ्रू अ लॉट मेनी वेबसाइट्स, सो आई कैन नॉट, इट डजंट रियली क्लिक मी, बट मैंने वो नोट कर लिया था कि जस्ट इन केस यू आर प्रोबब्ली अवेयर ऑफ इट. नहीं, वो तो मैं अवेयर हूँ, पर वो हर एक प्रोविंस की अपनी एक क्राइटेरिया होती है. प्रोविंस का ईपीएनपी सिस्टम है क्या, इसके बारे में 2 मिनट हम लोग उसकी जो भूमिका मान लेते हैं. पीएनपी है क्या चक्कर? पीएनपी का मतलब ये है कि हर एक प्रोविंस, जिसको आप स्टेट कहते हैं, हम कहते हैं प्रोविंस, हर एक प्रोविंस को अपना एक सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया है सरकार ने, कि आप अपने तरीके से, अपने जो आपको इकोनॉमी को लोग चाहिए उस हिसाब से क्राइटेरिया करके अपने बंदे को आप अट्रैक्ट कर सकते हो यहाँ पर, जिसको आपको यहाँ पर करना है. तो कुछ प्रोविंस ने कहा है कि हमें इस तरह के चाहिए, हाईटेक लोग चाहिए. जैसे बीसी में एक हाईटेक का वो है कि आपको अगर हाईटेक जॉब मिलती तो वो ऐसे बोल जाएगा, जैसे अल्बर्टा में कुछ और है. तो मोर और लेस ये उनको टिपिकली ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिन्होंने वहाँ पर उस प्रोविंस में उनका कनेक्शन है. इट्स कॉल्ड कनेक्शन टू द प्रोविंस. कनेक्शन कैसे बनता है? किसी की, किसी ने पढ़ाई करी है वहाँ पर, किसी ने वहाँ पर काम किया है, किसी ने वहाँ पर पैसे लगाए हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट किया है, और किसी ने, जैसे आपने कहा, रिश्तेदार है वहाँ पर. तो रिश्तेदार वाला सिस्टम है, या फ्रेंड भी हो सकता है. ये पहले मैनिटोबा में होता था, और उसका वो क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि जो मैं बात करूंगा मैं आपको सिर्फ सबूत के हिसाब से बात करूंगा, अदरवाइज इधर उधर की करने के बाद, क्योंकि आप वकील हैं, आपको हर चीज का एविडेंस चाहिए होता है. एविडेंस के बिना कोई केस आगे मुकम्मल नहीं होता. इज दैट राइट? मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? डेफिनेटली. हाँ, हम लोग बात जो करेंगे एविडेंस की बात करेंगे, और एविडेंस के बेस पे मैं आपको दिखा दूँ. मैं मैनिटोबा का एक दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा यू गेट एन आइडिया. मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप इतने सवाल पूछ रहे हो, और अगर कोई इंसान सवाल नहीं पूछेगा तो उसको आंसर नहीं मिल सकते. कई लोग सोचते हैं कि जी हमें सारा पता है जी, हम तो बस कंसल्टेंट के पास गए और हमें एकदम से वो मिल गया वीजा. ऐसे नहीं होगा. आपको मेरा स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है? नहीं, it is just dark as of now. एक सेकंड, मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या है. अब देखें, आपको दिखाई पड़ रहा है? No. अभी भी दिखाई पड़ रहा? आप कंप्यूटर पे हैं या फोन पे हैं? I'm on the phone. ओहो, ऐसा चक्कर ना होता, क्योंकि मेरे को तो यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग जा रहा है, और मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, otherwise we'll give it a shot. नहीं दिखाई पड़ रहा ना आपको? नहीं. Oh my God. Okay. Typically, people when you are on the phone, you know, sometimes it creates a problem in the screen. But you can't see it now. No, still no. Well, I don't know if you, but I will just okay. I'll run it through anyway. You know, I don't know why, because technically it should be. So, ये Manitoba का मैं देख रहा हूँ. Manitoba का skilled workers overseas जैसे आप हैं, इनके लिए एक point system बना हुआ है. तो इसमें points मिलते हैं language के, जितनी आपकी language ऊपर है उतना points आपके मिलेंगे. Age के points हैं, age 21 to 45 आपके points maximum है. Work experience के आपके points हैं. एजुकेशन के आपके पॉइंट्स हैं. इसको कहते हैं, फैक्टर नंबर 5 है अडैप्टेबिलिटी. अडैप्टेबिलिटी में
जिसका एक क्लोज रिलेटिव रह रहा है मैनिटोबा में, उसके लिए 20 पॉइंट है, और अगर किसी का फ्रेंड और डिस्टेंट रिलेटिव है तो उसके 10 पॉइंट है। तो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, बाकी आप इसको सर्च कर लेना, ऊपर अपने गूगल पे जाके सर्च कर लेना, मैनिटोबा पीएनपी स्किल्ड वर्कर्स ओवरसीज के नाम से है, तो इसको सर्च कर लेना, आपको आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये मैनिटोबा में है, और किसी प्रोविंस में है नहीं है, आई डोंट नो, आई नो इन अल्बर्टा जहाँ पर मैं रहता हूँ यहाँ पर ऐसा नहीं है, बीसी में ऐसा नहीं है, ओंटारियो में ऐसा नहीं है, I don't know कि Saskatchewan में ऐसा है कि नहीं, I'm not sure, but you have to go to the website to find out. पर बहुत ही प्रोविंस में ऐसा नहीं है, Manitoba is one of the province जिसका पुराना सिस्टम चल रहा है, अभी तक वो कुछ ना कुछ पॉइंट दे रहे हैं इस बारे। तो आपका सवाल ये है कि आपका कोई है यहाँ पर कि नहीं, कौन रहता है कनाडा में, कोई रहता है कि नहीं? Some relative of mine, मतलब of course थोड़े दूर के, तो मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है। ना, रहे, कहाँ पर रहते हैं, किस शहर में रहते हैं वो? I think Ontario. तो फिर वो तो खेल खत्म, फिर तो वो मैनिटोबा में नहीं है, तो फिर तो कुछ होना ही नहीं है, ओंटारियो में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल जाएगा, ठीक है? तो मतलब they have to be in the same province, they have to be in the same province, they have to be established, they have to be living there for at least 1 year, they must be willing to help you, support you, they have to give you a declaration of a support sponsorship, you know, they have to do a lot of things, it's not just कि मेरा चाची वहां रहती है जो मेरे को पहुंच मिला, ऐसा नहीं है। Last, so I also came across this program called the Global Talent Stream. Global Talent Stream आपके लिए नहीं है अदिति, Global Talent Stream सिर्फ एक technical occupations के लिए है, आप उसमें जाके Global Talent सर्च करेंगे, उसमें occupations की लिस्ट दी है, काफी उसमें वो है IT वाले हैं, मैं देख लेता हूँ अगर अगर है, I doubt मतलब, lawyers हैं कि नहीं। It is not basically on, I'm not talking about on the basis of being a lawyer. जैसे my initial education is basically on mathematics. So I am BSc, MSc, MPhil in mathematics. Okay. Yeah. So I was going through this Global Talent Stream program. So the category B, in the category B, yeah, we find this option which says mathematicians and statisticians, positions for actuaries or related occupations are excluded, that's right, from the. That's right. 2171 है शायद उसका, मेरे ख्याल है. Right. लेकिन वो मैथमेटिशियन दो प्रॉब्लम है अदिति इसके बारे में कि आपके पास एज अ मैथमेटिशियन आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है एज अ मैथमेटिशियन, नंबर वन, एक तो ये रिक्वायरमेंट उसकी है। I do have experience as a school teacher. नहीं वो नहीं काम होगा, नहीं मैथमेटिशियन ये स्कूल टीचर है, वो एक टीचर की एनओसी अलग हो जाएगी, मैथमेटिशियन जिसको वो बात कर रहे हैं, it is like a mathematician working for a scientific organization or maybe mathematician working for an actuarial insurance mein wo kaam karte hain, yeah, mathematicians working in a research, that kind of thing, and that is the one requirement. Dusri requirement ye hai ki aapko kisi ne naukri deni hai mathematician ke base pe, matlab ki jo hum ye baat kar rahe hain, this is a very highly specialized skill. Ab maths maine bhi jo apne 12वीं क्लास में मैथ्स थोड़ी बहुत मैंने भी पढ़ी थी, लेकिन मेरे को कोई जॉब देगा नहीं एज अ मैथमेटिशियन, सो इसके लिए काफी हाई लेवल की वो है, इसमें जॉब आनी आएगी इसमें, और ये जॉब कौन देगा, कैसे देगा, और इसमें क्लोज टू ऐसा होता है कि क्लोज टू, अगर आप बी कैटेगरी आप कर रहे हैं तो बी कैटेगरी में देखें, जो ए कैटेगरी में कम से कम $80,000 प्लस से सैलरी शुरू होती है, और बी कैटेगरी में अगर आप उसमें, यू कैन गो टू एनओसी डिस्क्रिप्शन और अपनी एनओसी डाल के अपनी वेजेस देख सकते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें कम से कम मैथमेटिशियंस को, वी कैन सर्च इट राइट नाउ इफ यू वांट टू, पर इतनी हाई लेवल की सैलरी कौन देगा आपको, कैसे देगा, ये बहुत बड़ी एक पहेली है, अगर आपको कोई जॉब देगा तभी आप कर सकते हैं, नहीं आप वैसे उसमें क्वालिफाई नहीं होंगे। इसमें ग्लोबल टैलेंट में मैं बताता हूँ कि कैसे लोग आते हैं, कैसे लोग टिपिकली, जितने केसेस मैंने 4-5 केसेस देखे हैं जो मेरे सामने आए हैं और सक्सेसफुल हुए हैं, वो ऐसे इसमें आते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है, पिछले 3-5 साल से काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग फॉर वेरी हाई टेक कंपनीज, ये नहीं कि छोटे मोटे यू नो वो डेटा प्रोसेस, मतलब दीज पीपल आर वर्किंग फॉर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एमेजॉन एंड विप्रो, इन्फोसिस, और इनकी तनख्वाह ही, इंडिया में तनख्वाह किसी की 2 लाख रुपए पर मंथ है, किसी की 5 लाख रुपए पर मंथ है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ लेवल ऑफ, और उनको जब यहाँ नौकरी मिलेगी तो उनको $1,50,000-$1.5 लाख की I mean these are extremely talented software engineers, they are not like entry level people, us tarah ke jo agar aap kisi ki category hai to wo global talent mein immediately kar jayega, aur isme fayda ye hota hai ki isme jo fayda hai baki occupation se aur baki stream se ki isme aapko LMIA ki zarurat nahi padti, aapko employer seedhe aapko job offer deta hai aur job offer leke jao aap Canadian High Commission mein seedhe aapko
It's a fast track. It's about 2 week fast track process turnaround for work permit. Okay. So I think these were the questions. The last one is this, in case I'm opting for a express entry or maybe a student visa. So do you help with all those processes? Aditi, main help karta hun, sab karta hun, lekin aapne agar mere purane videos dekhe hue hain aur dekhte hain, ye sari duniya ko pata hai ki main sabko protsahan deta hun ki apne samaan ki zimmewari apne aap lein, knowledge lein, information lein, research lein, apna kaam apne aap karein, aur aap wakeel hain, aap padhi likhi hain, aap samajhdar hain, aur aap Delhi ki rehne wali hain, to main aapko protsahit karta hun ki apni application apne aap karein. Haan, मैं ऐसी एप्लीकेशन जरूर मैं लेता हूं, जरूर उन लोगों की मैं बांह पकड़ता हूं जिनके एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गए, एक बार दो बार, मेरे पास पांच पांच बार रिफ्यूज वाले भी हैं जिनके रिफ्यूज हो गए, उनके लिए मैं हमेशा मैं तैयार हूं. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने पैसे बचाएं, किसी भी आपको स्पेशली कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना दिल्ली में, ना कैनेडा में, ना पंजाब में, ना बेंगलोर में, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी नॉलेज कई कंसल्टेंटों से भी ज्यादा है, और आपकी तैयारी है, आपने सवाल पूछे हैं इतने और आपको अभी मिला है, तो अपनी एप्लीकेशन अपने आप करें, और मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच फॉर एड्रेसिंग माय क्वेरीज एंड गिविंग मी योर टाइम. ऑफ कोर्स. ठीक है. थैंक यू अदिति. टेक केयर. थैंक यू सो मच.